हरियाणा सक्षम युवा यूनियन रेवाड़ी के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह राठौर और राज्य उप प्रधान नेहा रानी के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक सक्षम युवाओं ने जिला उपायुक्त डिप्टी सीएम को ज्ञापन सौंपा। सरकार द्वारा जारी नया मानदेय का प्रावधान जो 75% तथा 25% विभाग एवं रोजगार विभाग में आवंटित किया गया है। इस प्रावधान के आने के बाद सक्षम युवाओं को रोजगार विभाग द्वारा कोई काम नहीं दिया जा रहा और जिनको काम नहीं दिया जा रहा साथ साथ जिनको काम दिया जा रहा है उनको केवल 2 दिन ही केवल सप्ताह में बुलाया जा रहा है, जिससे सक्षम युवाओं को पूरा काम नहीं मिल पा रहा तथा विभाग के अधिकारी ये बात कहकर टाल रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जबकि सक्षम युवा योजना के तहत एक सक्षम युवा अधिकतम महीने में 100 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अधिकारी द्वारा सप्ताह में 2 दिन बुलाकर सक्षम युवाओं से ज़्यादा काम करवा रहा है, लेकिन ज़्यादा काम होने के बाद उनकी हाजिरी में भी कटौती की जा रही है। इस विषय में हम सभी सक्षम युवा साथी महीने में 2-2 बार रोजगार कार्यालय रेवाड़ी में अधिकारी से मिल चुके हैं तथा जिला उपायुक्त महोदय मोहम्मद इमरान खान से भी बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इस प्रकार सक्षम युवाओं का मानसिक व आर्थिक शोषण किया जा रहा है। अतः माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से नम्र निवेदन है कि सक्षम युवाओं को कार्यरत विभाग में पूरा काम दिलाया जाए तथा उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी से आग्रह है कि श्रम एवं रोजगार विभाग आपके अंतर्गत आता है तथा कथित विषय पर ध्यान दिया जाए। यथा हरियाणा सक्षम युवा यूनियन के राज्य प्रधान विनोद धडोली और जिला पानीपत प्रधान राज कौशिक ने कुछ दिन पहले ही सरकार को चेतावनी दी थी, या तो सरकार इन बेरोजगार सक्षम युवाओं का शोषण करना बंद कर दे, अन्यथा जल्द ही सक्षम युवा सड़क पर उतरेगा और सरकार और विभाग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगा। रेवाड़ी में कल सक्षम युवाओं ने डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया और जिंद प्रशासन के ने सक्षम युवाओं की समस्या के समाधान के लिए समय दिया है, इसलिए हमें 15 मई तक का इंतजार करना चाहिए। आज हम किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे।